अगर दोस्तों आपका गाड़ी चोरी हो जाए तो क्या करें? अगर दोस्तों अगर आपका गाड़ी को अगर मांग के कहीं ले गया है तो आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि गाड़ी आपका जो है कहाँ लेके जा रहा है? अगर अगर आप अपना गाड़ी को कहीं पे पार्क कर देते हैं तो कैसे, अगर कोई गाड़ी अगर लेकर कहीं चला जाता है या चोरी हो जाता है गाड़ी, तो कैसे पता चले आपके मोबाइल पे? हेलो गाइज, वेलकम टू सेफ्टी जोन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं कि आप अपने बाइक को मतलब कंप्लीट आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आपका गाड़ी कहीं चोरी हो जाए या दोस्तों कहीं गाड़ी आपका अगर छीना जाए या कहीं गाड़ी दोस्तों कुछ भी हो जाए तो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन कैसे आप उसमें अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव। दोस्तों इस गाड़ी में हम लोग अभी जीपीएस लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी को मोबाइल से आप बंद कैसे कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जैसे ही आप ये लॉक करेंगे ना, ये आप मैं दिखा सकता हूँ, जैसे ही लॉक बटन दबाएंगे गाड़ी हमारा ये बंद हो जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी हमारा बंद हो गया। अब गाड़ी जो है ना हमारा चाबी से भी ऑन नहीं होगा। जैसे ही यहाँ मोबाइल से हम लोग अनलॉक करेंगे उसके बाद गाड़ी हमारा यहाँ पे लाइन आ जाएगा मोबाइल गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं इसमें जीपीएस लगा हुआ है। ये जो दोस्तों आप अपने फोर व्हीलर में, अपने टू व्हीलर में, किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं। दोस्तों बिना समय का मैं आपको वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों BS6 ये 4PN में कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं जीपीएस। वीडियो को अंत तक बने रहे, काफी मजा आने वाला है और दोस्तों काफी कुछ अब सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Temptation within, mistake.
आप देख सकते हैं कि फाइनली गाड़ी में जीपीएस लग चुका है और इसके बाद ये हार्डवेयर लगाने के बाद आपको जो है ना दोस्तों यूजर आईडी पासवर्ड जो है उसके लिए कंपनी से बात करना पड़ेगा। आप जो भी कंपनी का जीपीएस लेंगे ना तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड वहां से कंपनी आपको देगा। आप बात कर लीजिए जो कंपनी का आप परचेज करेंगे आप उससे बात कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारे गाड़ी में ये लग चुका है और हमारे पास अभी देख सकते हैं दोस्तों यूजर आईडी पासवर्ड हम लॉग इन करके होम पेज में आ चुके हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये गाड़ी है और ये दोस्तों इसका पूरा डिटेल्स है। चलिए दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव की गाड़ी को मोबाइल से कैसे बंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही चाबी हम गाड़ी को ऑन करेंगे गाड़ी का चाबी हमारा ऑन है। आपको दोस्तों अगर इसको दिखा सकता हूँ गाड़ी दोस्तों ये हमारा बंद हो गया। अब दोस्तों गाड़ी जो है ना आपका चाबी से भी ऑन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमारा पूरा कंप्लीट बंद है, चाबी से भी कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लाइन यहाँ से आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे, ये ग्रीन आप देख सकते हैं यहाँ से अनलॉक करेंगे तो लाइन गाड़ी में हमारा आ जाएगा दोस्तों। तो ये था जीपीएस का दोस्तों प्रोसेस। ये आपको बहुत सारा काम करेगा इसमें। ये लगाने के बाद दोस्तों आपके गाड़ी मतलब कह सकते हैं कंप्लीट आपके गाड़ी सेफ हो जाएगा। जैसे गाड़ी आपका कहीं चोरी होगा तो आप मोबाइल पर उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। दूसरा है कि गाड़ी को जो मोबाइल से बंद भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा खासियत यह है कि जैसे गाड़ी कोई आपका कहीं मांग के ले गया, कोई एम्प्लॉय है आपके ऑफिस का, तो वो कहाँ कहाँ जा रहा है आप उसका लाइव मोबाइल से अपना ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा खासियत इसमें है कि एक पार्किंग का सिस्टम होता है इसका। जैसे गाड़ी कहीं पर आप दरवाजा पे पार्क करते हैं तो गाड़ी आपका चोरी नहीं हो, चोरी जैसे हो जाता है तो जैसे गाड़ी आपका एक रेंज होता है 100 मीटर के आसपास जो है ये रेंज होता है, जैसे ही आपका गाड़ी 100 मीटर से मोबाइल से क्रॉस करेगा आपको मोबाइल पे सायरन बजने लगेगा। तो ये सब दोस्तों प्लस पॉइंट है जीपीएस लगाने का। तो ये जो जीपीएस है सेम प्रोसेस है, आप फोर व्हीलर भी लगा सकते हैं, टू व्हीलर भी लगा सकते हैं, जीपीएस यही होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों बाइक से रिलेटेड इस तरह के मॉडिफिकेशन के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारे नए नए वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच।